अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे बेचें? घर बैठे होगी लाखों की कमाई। ऑनलाइन दुकान और ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें? वर्तमान में ऑनलाइन कारोबार को अधिक बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल भागदौड़ भरी इस दुनिया में हर कोई अपना काम आसान से आसान तरीकों से करना चाहता है। ऐसे में हर कोई अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन के जरिए बेचना चाहता है। वर्तमान में लगभग 40% खरीदारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही हो रही है और यही कारण है कि देश में ऑनलाइन कारोबार निरंतर बढ़ रहा है। यदि आप भी अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से जुटा लें, ताकि जब आप ऑनलाइन कारोबार शुरू करें तो आपको भविष्य में किसी भी तरह के नुकसान का सामना ना करना पड़े। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट को आप कैसे बेच सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस करने के क्या फायदे होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस क्या है? बता दें, ऑनलाइन बिजनेस यानी कि अपने किसी प्रोडक्ट को बेचना, सामान का ऑर्डर प्राप्त करना इत्यादि सभी काम ऑनलाइन ही हो जाता है। स्मार्ट तरीके से बिजनेस करने के लिए ऑनलाइन सामान बेचने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस तरह का बिजनेस करने से आप भागदौड़ से बच सकते हैं और आसानी से घर बैठे अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के जरिए आप अपने कस्टमर से फिजिकली बात नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी किसी वेबसाइट या फिर एडवर्टाइजमेंट के जरिए ग्राहक को अपने प्रोडक्ट बेच देते हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इस बिजनेस को देश के किसी भी कोने से संभाल सकते हैं। कैसे किया जाता है ऑनलाइन बिजनेस? ऑनलाइन बिजनेस एक विश्वास पर टिका होता है। जब ग्राहक को कोई सामान पसंद आता है तो वो उसे ऑर्डर करता है और ये ऑर्डर एक सेलर को मिलता है और एक सेलर ग्राहक द्वारा पसंद किए गए सामान को चेक करके डिलीवरी बॉय के जरिए ग्राहक के पते तक पहुंचाता है। इस ऑर्डर का पैसा ज्यादातर आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है या फिर डिलीवरी बॉय की जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राहक से सामान का पैसा लेकर आए। ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट? खुद का प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट दो तरीकों से बेच सकते हैं। पहला वो तरीका जिसमें आप खुद की वेबसाइट बनवाकर अपना सामान बेच सकते हैं, जबकि दूसरा वो जिसमें आप मार्केट में पहले से ही मौजूद ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़कर अपना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं। पहले विकल्प में आपको खुद की वेबसाइट तैयार करवानी होगी, जिसमें आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है और इसमें पैसे भी अधिक खर्च होते हैं, जबकि दूसरे विकल्प में आप सीधे तौर से ई कॉमर्स कंपनी से जुड़ जाएंगे और आसानी से अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान रखें ये खास बातें। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले आप GST रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। इसके अलावा कंप्यूटर की सही जानकारी रखें, ताकि आपको अपना बिजनेस करने में कोई परेशानी ना आए। आप ऑनलाइन हिसाब किताब रखने का भी पूरी तरीके से ध्यान रखें। अपने सामान के बारे में सही से सही जानकारी देने की कोशिश करें और सही कीमत तय करें। आप चाहें तो एक साथ कई वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपको इंटरनेट बैंकिंग की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट का लेखा जोखा, इस पर अधिक ध्यान दें, ताकि आप ग्राहक तक सही सामान पहुंचा सकें। अपने प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेदारी एक सेलर पर होती है। ऐसे में आप प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक को सही जानकारी दें, ताकि ग्राहक आपके द्वारा बेचे गए सामान से संतुष्ट रहे। आप हमेशा अपने ग्राहक की पसंद के अनुसार प्रोडक्ट सेल करें। इसके अलावा आप समय समय पर ऑनलाइन साइट पर ऐसे प्रोडक्ट डालें जिन्हें ग्राहकों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है और जिनकी बिक्री जल्द से जल्द हो जाती है। ऑनलाइन प्रोडक्ट डालते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उस प्रोडक्ट का मूल्य अधिक ना बढ़ा दें, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत मार्केट कीमत से अधिक होगी तो ग्राहक आपके प्रोडक्ट लेने से कतराएगा, साथ ही वो सामान कहीं और से खरीद लेगा। कोशिश करें कि ग्राहक और आपके बीच एक विश्वास बना रहे, क्योंकि ऑनलाइन सामान बेचना विश्वास पर ही टिका होता है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर ध्यान दें, उसे ग्राहक तक सही समय पर पहुंचाने की कोशिश करें और प्रोडक्ट किसी भी तरह से खराब ना हो इसका प्रबंध करें। इसके अलावा जब कोई ग्राहक आपके पास सामान वापस भेजता है तो अच्छे व्यवहार के साथ उस प्रोडक्ट को वापस लें और ग्राहक के अनुसार उसकी मांग को पूरा करें। ज्यादातर सेलर उन प्रोडक्ट की डिस्प्ले दिखाते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं। उनका मानना होता है कि जब हमारे पास और ऑर्डर आएंगे तब हम उसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा करने से बचें। कोशिश करें कि आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो उसी को डिस्प्ले पर दिखाएं। कैसे करें ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने की मार्केटिंग? किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी अच्छी आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी उतनी ही अच्छी संख्या में आपको ग्राहक मिलेंगे और आपके प्रोडक्ट भी अधिक से अधिक बिक सकेंगे। प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप कम समय में अधिक से अधिक ग्राहकों से जुड़ पाएंगे। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप समय समय पर अपने प्रोडक्ट की जानकारी को अपडेट करते रहें ताकि आपसे जुड़े सभी ग्राहक आपके प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी रख पाएं। ऐसा करने से आप अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को तो जोड़ ही पाएंगे, साथ ही आप कम समय में अधिक प्रोडक्ट की बिक्री भी कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।